दोस्तों हर व्यक्ति की एक चाहत होंदी है कि उसके चेहरे की चमड़ी खूबसूरत नज़र आए, पर बहुत सारे चमड़ी के रोगों कारण अजिहा नहीं हो पाता। चमड़ी संबंधी कई तरह दी बीमारियां होंदिया ने, ते उन्हां बीमारियों विचों एक है मूँह ते छाइयां पै जाना, जिन्हां नूं अंग्रेजी विच पिगमेंटेशन भी किया जाता है। छाइयां आम तौर पर गल्लां अते अखां दे नीचे होया करदियां ने, जिस कारण चमड़ी का रंग आम नालों थोड़ा हल्का जां थोड़ा कालेपन च हो जाता है। ते ए एक अजिही बीमारी है जिस कारण औरत होवे जां मर्द दोवां विच आत्म विश्वास की घाट आ जाती है। पर दस दईए कि इस बीमारी तो घबराउण की लोड़ नहीं। आयुर्वेद विच छाइयां दे इलाज लई बहुत सारे उपाय दसे गए ने। की ने उपाय इह दसदिआं अगे सब तो पहलां आपां इह जाणीए कि छाइयां जां पिगमेंटेशन आखर हुंदियां की ने। दोस्तों परमपिता परमेश्वर ने साडे शरीर की रक्षा लई वख-वख रक्षा कवच दिते ने, ते उन्हां रक्षा कवचां विचों इक है जिसका सूखम तत् मेलानासाइटस, जिहड़ा साडी चमड़ी की उपरली तह विच मौजूद रहिंदा है, जिसका काम सूर्य दियां अल्ट्रावायलेट किरणां तों साडी चमड़ी नूं बचाउणा हुंदा है। ते इसे मेलानिन दे चमड़ी विच वध जाण कारण चेहरे ते छाइयां पै जांदियां ने। दस दईए कि पिगमेंटेशन यानी कि छाइयां की समस्या मर्दां नालों औरतां विच वध देखी जांदी है, ते औरतां विच इह रोग 25 तों 50 वरे की उम्र दौरान वध हुंदा है। डाक्टरां अनुसार इसका कारण गर्भ निरोधक गोलियां खाण जां फिर हारमोनल बिगाड़ है। हुण जाणदे हां पिगमेंटेशन यानी कि छाइयां किन्ने प्रकार दियां हुंदियां ने। दस दईए कि पिगमेंटेशन की समस्या किसी सट लगन, जख्म जां फिर फिंसियां होण तों बाद पोस्ट इनफलामेटरी हाइपर पिगमेंटेशन जां फिर पोस्ट इनफलामेटरी हाइपो पिगमेंटेशन कारण भी हो सकती है। जदों चमड़ी का रंग आम नालों थोड़ा जा काला जां हल्का हो जाए तो समझ जाना चाहिए कि साडे चेहरे ते छाइयां पै चुकियां ने। इस तों अलावा पिगमेंटेशन यानी छाइयां दो प्रकार दियां हुंदियां ने। इन्हां विचों एक हाइपर पिगमेंटेशन दौरान चमड़ी का रंग आम नालों थोड़ा जा काला हो जाता है, जिस विच चमड़ी ते काले धब्बे पै जांदे ने, जिहड़े कि मुख रूप विच सिर अते कन्नां वाले पासे दिखाई देंदे ने, जिन्हां दे लक्षण आम नज़र आउण ते समझ जाणा चाहीदा कि तुहाडे मूँह ते छाइयां पै चुकियां ने। छाइयां दा दूजा रूप है हाइपोपिगमेंटेशन। इस दौरान चमड़ी दा रंग काला ना होके आम नालों थोड़ा जा हल्का हो जाता है। एक गंभीर बीमारी सफेद दाग भी हो सकती है। कई बार यह रोग ना होके बच्चों च आम तौर पर देखा जाता है। यह पेट च कीड़े होण जां भोजन च पोषक तत्वों की घाट कारण भी हो सकता है। तो आओ हुण आउंदे हां छाइयां दे कारणां वल। दोस्तों वैसे तो छाइयां पैण दे बहुत सारे कारण ने, पर उन्हां विचों कुछ कारणां ते आपां एक पंछी झात मार लैंदे हां। इन्हां कारणां विचों एक है सूरज दीआं किरणां। जिहड़े लोग आम तौर पर देर तक धुप्प च रहिंदे ने, सूरज दीआं अल्ट्रावायलेट किरणां उन्हां दी चमड़ी नूं नुकसान पहुँचाउंदियां ने, ते बाद विच इह छाइयां दा कारण बण जांदियां ने। बचपन तो लैके हुण तक सानू संतुलित भोजन खाण दा पाठ पढ़ाया जांदा है, पर इस दे बावजूद सानू इह नहीं पता लगदा कि किहड़े भोजन च सानू किहड़े पोषक तत् मिलदे ने, ते इन्हां पोषक तत्तां दी घाट कारण ही साडे शरीर विच बहुत सारे बदलाव आउंदे ने, ते उन्हां बदलावां विचों एक है छाइयां पै जाणा। इस तों अलावा जिहड़े लोग चमड़ी ते उन्हां चीज़ां दा इस्तेमाल ज़्यादा करदे ने जिन्हां विच कैमिकल ज़्यादा हुंदे ने, उन्हां दे चेहरे ते भी छाइयां पै जांदियां ने। डाक्टरां दी मनीए तां औरतां विच इह सब तों ज़्यादा हारमोनल बिगाड़ कारण हुंदा है। जिहड़ियां औरतां ज़्यादा समय तक गर्भ निरोधक गोलियां दा सेवन करदियां ने, उन्हां दे चेहरे ते भी पिगमेंटेशन यानी कि छाइयां पै जांदियां ने। इसे तरह वधदी उम्र भी चेहरे ते काले धब्बे ते छाइयां दे रूप विच अपना निशान छड़ जांदी है। बंदे नूं तनाह होवे ते शरीर दे अंदर कोई बदलाव ना आवे, इह हो ही नहीं सकदा। जिथे तनाह शरीर दे अंदर होर बहुत सारे बदलाव लै आउंदा, उत्थे चेहरे ते भी छाइयां पा देंदा। बहुत वार मूँह ते फिंसियां होण तों बाद इन्हां दे दाग धब्बे रह जाण कारण भी पिगमेंटेशन यानी कि छाइयां हो जांदियां ने। औरतां नूं माहवारी बंद होण तों पहलां भी चेहरे ते छाइयां पै जांदियां ने, अजिहा बहुत वार देखिया गया। इस संबंधी न्यूज़ एशिया पंजाबी ने जदों डॉक्टर वरिंदर सिंह भुल्लर होणा नाल गलबात की तो उन्होंने की क्या, आओ ये भी सुन लैने। डॉक्टर साहब, हर कोई सोहना दिखाना चाहता है, तो सोहना दिखाने लई लोगों सोहना बनाने लई
कंपनियां वक्रे वक्रे प्रोडक्ट बना रही ने कैमिकल पा पा के, तो वह मौके से तो सुंदर बना देंगे ने, पर अगे चल के जोड़े वो रिजल्ट जोड़े ने बहुत माड़े निकलते हैं। कोई वेला सी, मैं जिस तरह पहला जिक्र किया कि कुदरती ढंग तरीके अपनाए जाते सी सुंदर दिखाने लई, लेकिन वो कैमिकल की दुनिया ने उन्होंने सारे दब लिया कि अज भी वो कोई ढंग तरीके अपने आप कर सकते हैं जिदे नाल जिहड़ा इंसान सुंदर दिख सकता है, खास करके औरतों नूं तां इह जिहड़ा इह चाहत ज़्यादा ही रहिंदी है। देखो कुलवंत जी, जो नेचर का एक सिद्धांत है कि जिहड़ी चीज़ नूं तुसीं खा नहीं सकते उन्हूं चमड़ी ते लगाव नहीं सकते, तां असीं जिहड़ी भी चीज़ नूं अप्लाई करते हाँ स्किन दे उपर तां सानूं इस चीज़ का थोड़ा बहुत ज्ञान तो होना जरूरी है कि इहदे इनग्रीडियंट्स की ने, ये बनी किन्ना किन्ना चीज़ों तो हुई है, ये अंदर चीज़ा की पाइया गई हैं, किहड़ी चीज़ां नूं ऐड किया गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हैगी है। बाकी नेचर ने जिन्हें शरीर बनाया उन्हें इनू मेनटेन करन दे लई, इहदा मेंटेनेंस करन दे लई, इनू खूबसूरत बनन दे लई, रखन दे लई भी बहुत सोर्स दिते हुए ने। हाँ, कई बार असी कुछ लुभावनियाँ एड्स जां ज़्यादा अट्रैक्टिव एड्स देखते हैं और असी उन्हां चीज़ां नूं यूज़ करते हैं, उन्हां दे साइड इफेक्ट भी बहुत ने, क्योंकि साड़ी जी चमड़ी है स्किन है तो आप देखते हैं कि गर्मी के स्किन हमेशा ढलकी हुई रहती, ढिली रहती है, सर्दी जिवें आती है तो टाइट हो जाती है। ये साडा जिहड़ा अंदरला स्केलेटन सिस्टम है, पिंजर सिस्टम है, साढ़े अंदर मांसपेशियां ने उन्होंने ढक के रख्या होया इन्होंने और उन्होंने सुरक्षा कर दिया ने। जदों सर्दी दे विच बहुत ज़्यादा सर्दी होंदी है तो उदों ये हार्ड हो जाती है, बाहरली ठंड नूं अंदर तक नहीं जान देती, प्लस गर्मी के अंदर सानूं इस पसीना आता है, वो तां आता है कि बॉडी अपना गंद सारा ये पोर्स राही बाहर कढ़दी है, डिटॉक्सीफिकेशन होंदी है। हुण इन्हां सारियां चीज़ां नूं अगर साडे ध्यान च चीज़ां रहन ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਨੋਰਮਲੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਲੋਕ ਏ ਸੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ ਲਾਈਫ ਹੈ ਸਭ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪਸੀਨਾ ਆਉਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਏ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੂਰੀਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਏਗਾ, ਰੀਜ਼ਨ ਕਿਉਂਕਿ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪੋਰਸ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨੇ ਪਸੀਨਾ ਕੱਢਣਾ ਸੀ ਉਹ ਰਸਤਾ ਬੰਦ ਮਿਲਿਆ ਔਰ ਉਹਨੇ ਯੂਰੀਨ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗੰਦਮੰਦ ਸਾਰਾ ਟੋਕਸਿਨ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਠੰਡ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਐਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂ, ਠੰਡ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਰਹੀ ਗੱਲ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੈਚੁਰਲ ਸੋਰਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਲੀ ਰੂਟੀਨ 'ਚ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰੀਏ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਅਲਟੀਮੇਟ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਨੇ, ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਵੀ ਮੇਨਟੇਨ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਏਜ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਕਿਨ ਹੈ ਉਹ ਢਲਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇਖੀ ਵੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਅਟਰੈਕਟਿਵ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਵੱਲ ਮੂਵ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੁਭਾਵਨੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਵੱਲ ਅਟਰੈਕਟ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟਸ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ ਨਾ। ਏਜ਼ 30-35 ਸਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੋਡੀ ਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਕਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੇ ਵਿਦਾਊਟ ਕੋਸਮੈਟਿਕ ਵਿਦਾਊਟ ਮੇਕਅਪ ਦੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਈਏ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 40-45 ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਸਕਿਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਇਸ ਸਾਰੇ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟਸ ਨੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਅੱਛੇ ਸੋਰਸ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਅਗਰ ਹੁਣ ਮੁਲਤਾਨੀ ਮਿੱਟੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਕਿਨ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਸਕਿਨ ਦੇ ਪੋਰ ਨੂੰ ਓਪਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੀਸਰਾ ਬਲੱਡ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਗੁਣ ਵੈਸੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਲੱਡ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫਾਸਟ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੁਲਤਾਨੀ ਮਿੱਟੀ ਵੀ ਬਲੱਡ ਦੇ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫਾਸਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਗਲੋ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਬੜੇ ਅਲਟੀਮੇਟ ਰਿਜ਼ਲਟ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਈਵਨ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਪਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਅਗਰ ਮੁਲਤਾਨੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਟਰਮੈਰਿਕ ਐਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਈਵਨ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ, ਮੈਂ ਰਾਜੀਵ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਆਡੀਓ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੁਲਾਇਆ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਲਕਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਅੰਬੈਸਡਰ ਸੀ ਉਹ ਹੇਮਾ ਮਾਲਿਨੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਪੁੱਛੂੰਗਾ ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੁਛ ਪੁੱਛ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਸਟ ਕੁਸ਼ਚਨ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਆਪ ਤੋਂ ਲਕਸ ਕੀ ਐਡ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪ ਵੀ ਲਕਸ ਹੀ ਨਹਾਤੇ ਹੋ,
उन्होंने तो कहते उन्होंने आंसर किया कि नहीं मैं नहीं नहाती कहते की यूज़ कर दे तो वह आंसर सुन के मैं भी बड़ा हक्का बक्का रह गया मैं भी सरप्राइज होया कि उन्होंने आंसर से कि मैं अज तक साबण अपनी चमड़ी नूं टच नहीं होन दिता उहदी जगह ते मैं घर दी दाल दा बेसन बनानी है और उहदे विच हल्दी ऐड करदी हां मलाई ऐड करदी हां बॉडी ते अप्लाई करदी हां ठीक है तो हर जिन्हों थोड़ी जिन्हें अपने आप नूं तंदुरुस्त रखना है खूबसूरत रखना और लंबा टाइम लैके जाना इस बॉडी नूं उहनूं हमेशा नैचुरल सोर्स दे थ्रू ही जा सकते हैं कैमिकल्स प्रोडक्ट सानूं इन्ना लंबा नहीं ले जा सकते बीमारियां वक्खरियां सानूं गिफ्ट दे जांदियां बीमारियां वक्खरा गिफ्ट देंदियां ने पर गिफ्ट जिहड़ा उह परमात्मा ने सानूं जिहड़ा धरती ते भेजिया ते सानूं जिहड़ा चेहरा दित्ता है उह साडे वास्ते साडे लई गिफ्ट है उस चेहरे नूं खूबसूरत बनाउण लई आपां इह गल तां कर दित्ती कि कैमिकल्स जिहड़े ने साडे शरीर नूं खराब करदे ने साइड इफेक्ट निकलदे ने चेहरे नूं खूबसूरत बनाउण लई फिर करिए की देखो इहदे च काफ़ी सोर्स ने जिवें कि वर्जन कोकोनट ऑयल हो गया रात में सौन टाइम तो तुम इन चेहरे पर अप्लाई करो सुबह अपना फेस साफ कर लो पानी के नाल अल्टीमेट ग्लो थोड़े स्कि अगर ड्राई है स्किन खुश्की है स्किन के उपर बहुत अच्छे रिजल्ट आप मिलते हैं यानी कि कच्चा खोपे का तेल हाँ जी कच्चा हाँ जी हाँ जी कच्चा जिहड़ा कि नारियल के तेल में अप्लाई करो ईवन एक फॉर्मूला ही लगा लो मैं शेयर करता दर्शकों के नाल नारियल सॉरी अनार अनार दा छिलका और संतरे दा छिलका इन छावें शैडो दे विच छाया दे विच अपन सुका लेना सुकाउण तो बाद इनू ग्राइंड कर लेना इहदा पाउडर बना के रखो और एक्स्ट्रा इहदे विच तुसीं एलोवीरा दी जिहड़ी जैल है वह इहदे विच मिक्स कर सकते हो और इन्ना नैचुरल ते बिना किसी कैमिकल तो हाई इफेक्टिव जिहदा कि बहुत ज़्यादा असर तुहाडे स्किन ते पाएगा मिलेगा तुहानूं रेगुलर इनू अपनी स्किन ते एज ए तुसी क्लिनजर भी यूज़ कर सकते हो स्क्रबर भी यूज़ कर सकते हो बहुत अच्छा ग्लो तुहानूं इफेक्ट इहदा विदिन 7 डे तुहाडी बॉडी दे उत्ते आ जाएगा सो इस तरह के बहुत सारे नैचुरल इनग्रीडियंट्स ने जिहड़े तुहाडे फेस नूं बहुत खूबसूरत बनाउंदे ने और स्किन दीआं बीमारियां तों वी बचाउंदे ने सो इह सन डॉक्टर वरिंदर सिंह भुल्लर हुण आईए चेहरे दीआं छाइयां दे इलाज लई घरेलू उपावां वल इंसानी फितरत है कि वह अपने शरीर के किसी हिस्से पर भी भावें व्डे तो व्डा बदलाव बर्दाश्त कर लवे पर चेहरे पर आए छोटे जे बदलाव नूं भी वह बर्दाश्त नहीं कर पाउंदा ते इन्हां विचों भी खासकर औरतां लिहाजा मूँह ते थोड़े जे दाग पैंदे देख तुरंत भजदियां ने डाक्टरां वल बिना शक छाइयां दी समस्या होण ते इन्हां नूं अणदेखिया नहीं करना चाहीदा पर नाल नाल इह भी समझ लैणा चाहीदा कि बिना डाक्टरां दी सलाह दे बाजार च मिलण वालियां छाइयां दीआं दवाइयां जां क्रीमां दा चेहरे ते इस्तेमाल ना करो जेकर कोई उपाय नहीं सुझ रहा उस तो पहलां कोई घरेलू उपाय जरूर अजमा लो जेकर फिर भी समस्या ठीक नहीं हुंदी तां डाक्टर कोल जाके इलाज करवाउणा चाहीदा आखिर की ने उह घरेलू उपाय आओ जाणदे आं छाइयां दे घरेलू उपावां विच सब तो कारगर मन्नी जांदी है गाजर जी हाँ गाजर गाजर नूं कद्दूकस कर लो इस विच मुल्तानी मिट्टी मिला के उस विच एक चम्मच नींबू का रस मिलाओ जिस नूं कि मूँह की चमड़ी ते 20 मिनट लई लगा के छड़ दिओ अजिहा हफ्ते विच एक बार जरूर करो लगातार लगाउण नाल छाइयां खत्म हो सकदियां ने गाजर तो बाद अगला नंबर आउंदा है आलू का रस कढ के छाइयां वाली जगह ते लगाओ ते सुकण ते ठंडे पानी नाल धो लवो ये तुहाडे चेहरे दीआं छाइयां तों तुहानूं छुटकारा दवाउण विच मदद करेगा दोस्तों तुलसी नूं हिंदू धर्म विच माता दा दर्जा दिता गया ते अजिहा इस लई कहा जांदा है क्योंकि तुलसी एक अजिहा दवा पौधा है जिहड़ा कि हर एक मर्ज विच इंसान नूं राहत पहुँचाउंदा है 5-7 तुलसी दे पत्तियां नूं पीस के एक चम्मच नींबू दे रस च मिलाओ इस नूं चेहरे दी चमड़ी ते लगाओ जदों सुक जावे तां ठंडे पानी नाल इस नूं धो लवो पिगमेंटेशन यानी छाइयां च ये बहुत लाभदायक मन्या जाता है छाइया के इलाज लई अगला नंबर आता है जैतून दे तेल का यानी कि ओलिव ऑयल जैतून दे तेल च चीनी मिला के चेहरे की चमड़ी ते 3-4 मिनट रगड़ो बाद विच ठंडे पानी नाल धो लवो ये उपाव भी लाभ पहुँचाता है इस तरह छाइया की समस्या दौरान नींबू नाल भी आपां इन्हां दा इलाज कर सकते हैं जिस विच एक चम्मच नींबू के रस विच
एक चम्मच शहद ते बादाम दा तेल मिला के इस नूं 8-10 मिनट तक चेहरे ते मालिश करो। इस नाल छाइयां दी समस्या तों छुटकारा लैण विच लाभ मिलदा है। इसी तरह एक चम्मच नींबू दा रस ते शहद मिला के छाइयां ते लगाओ ते सुक जाण ते ठंडे पानी नाल धो लवो। इस नाल भी छाइयां दी समस्या तों छुटकारा लैण विच लाभ मिलेगा। प्याज, जी हाँ, छाइयां दी समस्या विच प्याज दे बहुत लाभ ने। लाल प्याज पिगमेंटेशन यानी कि छाइयां दी समस्या विच बहुत लाभदायक है। प्याज दे एक टुकड़े नूं कुट के उसका रस कढ लो ते इस रस नूं छाइयां अते चेहरे दे धब्बियां ते लगाओ। करीब 10 मिनट तक लगाए रखण तों बाद मूँह नूं ठंडे पानी नाल धो लवो। इस नाल भी चेहरे दीआं छाइयां तों छुटकारा लैण विच बहुत लाभ मिलेगा। इस तों अलावा तुसीं सरों नाल भी छाइयां दा इलाज कर सकदे हो। सरों ते तिल पीस के इस दा लेप छाइयां ते लगाउण नाल छाइयां दा कालापन दूर हो जांदा है। पर इस मामले च किया जांदा है कि जेकर वधिया नतीजे लैणे ने तां किसे आयुर्वेद माहर दी सलाह जरूर लै लवो। इसे तरह एलोवीरा यानी कि कुआर गंदल भी छाइयां तों छुटकारा दवाउण विच इक वधिया उपाय मन्निया गया है। एलोवीरा छाइयां वाली चमड़ी लई इक जादुई दवाई भी मन्निया गया है। ताज़ा एलोवीरा दे गुद्दे नूं कट के चेहरे ते 5-7 मिनट तक मालिश करन उपरंत इस नूं सुकण दिओ ते बाद विच ठंडे पानी नाल धो लवो, फिर देखो इस दा असर। हल्दी, जी हाँ, हल्दी छाइयां दे इलाज विच बेहद कारगर सिद्ध हुई है। एक चम्मच हल्दी पाउडर नूं नींबू दे रस विच मिला के इस नूं छाइयां ते लगाओ ते 20 मिनट बाद ठंडे पानी नाल इस नूं धो लवो। दिन विच एक वार इस दा प्रयोग जरूर करो, बहुत लाभ मिलेगा। पर इस दे नाल इह चैक जरूर कर लेना कि हल्दी विच कुरकुमिन लैवल किन्ना है। इह तां सी छाइयां दे घरेलू उपा, पर इह उपा उस वेले होर ज़्यादा कारगर सिद्ध होणगे जेकर आपां अपना खाणा पीणा वधिया कर लईए। आओ जाणदे हां जिन्हां लोकां नूं छाइयां दी समस्या है उहनां दा खाण पीण किहो जिहा होणा चाहीदा। दोस्तों, जिन्हां लोकां नूं छाइयां दी समस्या है उहनां नूं सुक्के मेवे जरूर खाने चाहीदे ने तां कि शरीर नूं जरूरी खनिज पदार्थ अते पोषक तत् दिते जा सकन जिहड़े कि छाइयां दी समस्या तों छुटकारा दवाउणगे। इंज ही जिन्ना हो सके फल अते सब्जियां वध तों वध खाओ। इस तों अलावा दिन विच घट्टो घट 7-8 गिलास पानी भी जरूर पियो। छाइयां वाले मरीज नूं पोषक तत्तां अते एंटीऑक्सीडेंट वाले भोजन दा सेवन जरूर करना चाहीदा है, जिन्हां विच ताजियां हरियां पत्तेदार सब्जियां अते मौसमी फल शामिल ने। दोस्तों, पिगमेंटेशन यानी कि छाइयां दी समस्या नूं दूर करन लई सिट्रिक फलां दा सेवन करना बेहद जरूरी हुंदा है। इन्हां सिट्रिक फलां विच संतरा, आंवला, मौसमी, अनार, किन्नू आदि शामिल ने। अजिहा इस लई किया जांदा है क्योंकि सिट्रिक फलां अंदर विटामिन सी दी मात्रा भरपूर हुंदी है जिहड़ी कि चमड़ी दी पिगमेंटेशन यानी कि छाइयां दाग धब्बियां नूं ठीक करदी है। इस छाइयां वाले मरीज दा खाण पीण किहो जिहा होवे, हुण आपां जाणदे हां कि छाइयां वाले मरीज दी दिनचर्या किवें होणी चाहीदी है। दोस्तों, छाइयां वाले मरीज दी दिनचर्या अजिही होणी चाहीदी है जिस विच मरीज बिन नागा प्राणायाम जां योग आसन करे। इस नाल चमड़ी चमकदार अते रोग रहित हो जाती है। छाइयां वाले मरीज नूं चाहीदा है कि वह ज़्यादा देर तक धुप्प च ना बैठे ते जेकर धुप्प च जाना भी पे तां पहलां चेहरे नूं चंगी तरह सूती कपड़े नाल ढक लवे। हुण आईए पिगमेंटेशन यानी छाइयां वाले मरीज नूं किहड़े किहड़े परहेज़ करने चाहीदे ने। ते इन्हां परहेज़ां विच सब तों पहला नंबर आउंदा बासे यानी बहे भोजन दा। छाइयां वाले मरीज नूं चाहीदा है कि वह ना तां बासा भोजन छके ते ना ही दूषित पानी पीए। इंज ही जंक फूड ते प्रिजर्वेटिव वाले भोजन दा सेवन भी छाइयां वाले मरीज लई बेहद खतरनाक है, अजिहे भोजन तों बचना चाहीदा है। ज़्यादा चाह पीण वाले लोग भी छाइयां दी समस्या दौरान चाह कॉफी तों परहेज़ करन। इंज ही जिथे सिगरट अते शराब वर्गे नशीले पदार्थ छाइयां वाले मरीज लई बेहद खतरनाक ने, उत्थे दूजे पासे तलियां होईयां अते मसालेदार चीज़ां ना खादियां जाण। इस तों अलावा एक गल जिहड़ी बहुत ज़्यादा ध्यान रखण योग है उह है कैमिकल वाले पदार्थां दा चेहरे ते इस्तेमाल। अजिहे पदार्थ चेहरे ते इस्तेमाल ना किते जाण क्योंकि इस नाल चमड़ी ते छाइयां दे धब्बे होर संघणे हो जाणगे ते चमड़ी दी कुदरती चमक भी मर जाएगी। दोस्तो, बहुत सारे लोगों नूं इह उपाय किते जाण दे बावजूद भी कई वार लाभ नहीं मिलदा। इस दे कई होर कारण भी हो सकदे ने। इन्हां कारणां विचों मुख कारण है खाण पीण ते दिनचर्या विच बदलाव ठीक ढंग नाल ना करना,
ਬਾਸਾ ਭੋਜਨ ਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਬੰਦ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਕੈਮੀਕਲ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਨਾ, ਚਾਹ ਕਾਫੀ ਪੀਣਾ ਬੰਦ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਛਾਈਆਂ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਕਦੋਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬੇਹੱਦ ਕਸ਼ਟਦਾਇਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾਗ ਧੱਬਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਨਸਿਕ ਕਸ਼ਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਛਾਈਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪੋਸ਼ਕ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਅਸੰਤੁਲਿਤ ਦਿਨ ਚਰਿਆ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੱਛਣ ਦੇਖੇ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਏ ਛਾਈਆਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸਾਰੇ ਘਰੇਲੂ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਵੋ। ਦੋਸਤੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ? ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ। ਜੇਕਰ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸਦਾ ਫਾਇਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਚੁੱਕ ਸਕਣ। ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ। ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਫੇਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਮੁੱਦੇ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।